आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू पोएम और इस पोएम का नाम है ए साम ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको हिंदी में, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि ये जो पोएम है ए साम ऑफ लाइफ, 12th क्लास की जो वर्कबुक है उसमें जो 10th लेसन की पोएम है, और ये बहुत ही शानदार पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है और एक तरह का डिवोशनल सॉन्ग है जो आपको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ए साम ऑफ लाइफ, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साम है, PSALM, फ्रेंड्स साम का अर्थ होता है भजन, मंत्र, या जिसे श्लोक भी कह सकते हैं, या प्रेरक गीत, डिवोशनल सॉन्ग भी आप कह सकते हैं। सामान्य तौर पर जो साम होता है, साम का मतलब होता है भजन, और किसी धार्मिक पुस्तक से कोई जो भजन उठा लिया जाता है उसको हम साम कहते हैं। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो ये जो पोएम है, ये जो एक धार्मिक बुक है बाइबल, उसका एक अंश है, उसको यहाँ पर ए साम ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी कि कहा जाए तो जीवन का एक गीत, जीवन का एक भजन या जीवन का एक मंत्र, ये हम इसको संबोधित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लाइन है पोएम की उसको देखते हैं। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, यहाँ पर कहा जा रहा है टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स। टेल माने होता है कहना, मी माने मुझे, नॉट माने नहीं, इन मॉर्नफुल नंबर्स। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मुझे दुखद एहसासों के बारे में मत बताओ। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, यहाँ पर पोइट जो WH लॉन्ग फेलो है वो इसके पोइट हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ इन मॉर्नफुल नंबर्स कि जिंदगी में कितने दुखद एहसास होते हैं, मुझे दुखद एहसासों के बारे में जानकारी देकर मुझे डराओ मत। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जिंदगी एक खाली स्वप्न मात्र है। कवि कहता है कि मुझे ये मत डराओ कि जीवन एक खाली स्वप्न मात्र है। फॉर द सॉल इज डीड, कवि कहता है आत्मा के लिए कि जो आत्मा है इज डीड, मर जाती है, दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। फॉर द सॉल इज डीड दैट स्लम्बर्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा मरती नहीं है, वो कुछ क्षण के लिए नींद में चली जाती है, निष्क्रिय हो जाती है थोड़ी पल के लिए, जब तक वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं कर लेती है, तब तक के लिए वो एक तरह की नींद में चली जाती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है पूर्ण रूप से। अगली लाइन है द थिंग एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, यहाँ पर कहा जा रहा है और जो चीज़ें जैसी दिखती हैं, चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो हमें दिखाई देती हैं। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, द थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हम देखते हैं कि एक सामान्य तौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर को छोड़ के चला जाता है और उस शरीर को हम दफन कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, उसके अंदर की जो आत्मा है वो कभी ख़त्म नहीं होती, शरीर जरूर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर कभी कह रहा है कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती हैं। अगली लाइन है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यहाँ पर कभी कह रहा है कि जिंदगी ही वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी ही वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिंदगी में ही सब कुछ है, जिंदगी जब तक है तब तक सब कुछ है, और जब तक जिंदगी नहीं है तब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिंदगी पर ही विश्वास करिए, जीवन में ही विश्वास करिए, जीवन के आगे और पीछे क्या होता है उस पर विश्वास मत करिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और यहाँ पर कह रहा है कि दफन होना ही मात्र इसका लक्ष्य नहीं है, इस जीवन का या इस शरीर का दफन होना ही मात्र
लक्ष्य नहीं है। ग्रेव मीन्स होता है कब्र। डस्ट तो आर्ट, डस्ट तो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेट्स। यहाँ पर डस्ट माने होता है धूल और दो माने होता है तुम और आर्ट माने होता है कलाकृति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम धूल के ही बने हो, टू डस्ट रिटर्नेट्स, और तुम्हें अंत में वापस धूल में ही मिल जाना है। डस्ट तो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेट्स, तुम धूल के बने हो और तुम्हें अंत में धूल में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल, कवि कह रहा है कि यह बात सॉल के लिए, आत्मा के लिए नहीं कही गई है। कवि शरीर के लिए कहता है कि तुम धूल के बने हो और अंत में तुम्हें धूल में ही, मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन कवि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि यह बात आत्मा के लिए कतई नहीं है। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो इतनी पोएम थी ये इसका सारांश है। अगला पैराग्राफ है, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिनी एंड और वास। नॉट एन्जॉयमेंट, ना केवल खुशियां मनाना, ना केवल आनंद उठाना, एंड नॉट सोरो और ना ही दुख झेलना, इज अवर डेस्टिनी, हमारी किस्मत में नहीं लिखा है और ना ही लिखा था। यहाँ पर पॉइंट कर रहा है कि केवल खुशियाँ मनाना और दुखों को झेलना ही हमारी किस्मत नहीं है, हमारे जीवन का अंत ना खुशी खुशी होता है और ना ही दुखों के साथ होता है। कवि यहाँ पर कहना कह रहा है कि भले ही हम चाहे जितने समृद्ध हो, हमारा इस दुनिया में आने का मतलब यही नहीं कि हम हमेशा खुशी रहें, हमेशा आनंद ही उठाते रहें या फिर हमेशा हम दुख ही झेलते रहें। इज अवर डेस्टिनी एंड और वास, यही इसका अंत नहीं है और ना ही था। बट टू एक्ट दैट इज टुमोरो, यहाँ पर कह रहा है लेकिन हमें कर्म करना है, दैट इज टुमोरो कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। फाइंड्स माने होता है पाना, अस माने हमें, फर्दर माने होता है आगे, देन टुडे आज से। यहाँ पर कह रहा है कि हमें आज से ही कर्म करना है क्योंकि यदि आप आज काम करेंगे और जब कल आज के टाइम को देखेंगे तो कल आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। यदि आप ये छोड़ देते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे तो आप देखेंगे कल पर ही भार बना रहेगा और जो आज का जो काम कर सकते थे वो नहीं हो पाएगा। तो कवि कह रहा है कि हमें आज ही काम करना है ताकि आने वाले कल जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम अपने आप को आज से आगे पाएं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर कवि कह रहा है कि संपूर्ण संसार एक युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर आपको हर समय संघर्ष ही करना होगा, बिना संघर्ष के आप जीवित ही नहीं रह सकते। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर कह रहा है कवि कि संपूर्ण संसार एक युद्ध क्षेत्र है, इन द विवर्क ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव में, जीवन के पड़ाव में संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार एक युद्ध क्षेत्र है। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, यहाँ पर गूंगे कैटल की भांति गतिशील मत रहो। कभी यहाँ पर कह रहा है बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, एक गूंगे पशु के समान मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, कभी कह रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से जो गूंगे पशु रहते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनको जहाँ को भी हाँक दिया वहीं को चल देते हैं, तो कवि कह रहा है आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको अपने जो गोल हैं, अपने जो मकसद हैं, उनको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। जिसने जिस तरह आपको ड्राइव कर दिया उसी तरफ आपको नहीं जाना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, यहाँ पर कह रहा है कि संघर्ष के आप हीरो बनो, नायक बनो, आप उनसे हारिए मत, अपनी समस्याओं के नायक बनिए, अपनी समस्याओं को हराइए, न कि समस्याएं आपको हराएं। तो यहाँ पर कह रहा है कवि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, जब कड़ी परिस्थितियाँ हों, जब आपको आपके तरफ चारों तरफ कलह हो, जब चारों तरफ समस्याएं हों, तो आप उनसे लड़िए और उन पर विजय प्राप्त करिए, उनके महानायक बनिए, उनके नायक बनिए, हीरो बनिए।
आप ऐसा मत बनिए कि कोई भी समस्या आप पर हावी हो जाए। आगे कह रहा है, ट्रस्ट इन फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट। कवि कह रहा है कि भविष्य में विश्वास मत करो, ट्रस्ट नो फ्यूचर। भविष्य में विश्वास मत करो हाउ एवर प्लीजेंट, वो चाहे जितना ही सुखद क्यों ना हो। ट्रस्ट माने होता है विश्वास करना, फ्यूचर माने भविष्य, और प्लीजेंट माने होता है सुखद। हाउ एवर, वो चाहे जितना ही सुखद क्यों ना हो। लेट द डीड पास्ट बरी इट्स डीड। यहाँ पर कवि कह रहा है आओ हम काम करें, आओ हम कर्म करें, पास्ट वरी इट्स डीड, जो हमारे अतीत के जो कार्य हैं उनको हम दफन कर दें और आज हम कर्म करें। एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट। कवि कह रहा है कि वर्तमान में जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसी को आपको अच्छी तरह से जीना है, यहीं पर आपको कर्म करना है। जो आपका बीत गया है उस पर आपको कोई नियंत्रण नहीं है, और जो फ्यूचर है उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। आपका फ्यूचर वही होगा जो जैसा काम आप आज करेंगे। इसलिए पोइट कहना चाहता है कि एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में ही कर्म करिए। हर्ट विथ इन, यहाँ पर कह रहा है कि अपने दिल में विश्वास रखिए, एंड गॉड्स ओवर हेड, और ईश्वर आपके ऊपर है, ईश्वर ऊपर है, वो आप पर पूरा ध्यान देगा। आप उसी पर विश्वास करिए। आपको अपने अंदर अपने हृदय में विश्वास रखना है, और जो ईश्वर है जो ऊपर है उस पर आपको विश्वास रखना है, और आपको अपने कार्य में लगे रहना है। तो ये फ्रेंड्स जो पोएम है इसाम ऑफ लाइफ, ये इसका सारांश था। बहुत ही सिंपल पोएम है, डिवोशनल एक तरह का सॉन्ग है जो आपको प्रेरित करता है काम करने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स नीचे आप देखें कि जो पोइट है WH लॉन्ग फेलो, उसका नाम यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लिखा जरूर है लेकिन वो ठीक से प्रिंटर नहीं है, तो आपको देख लेना है। ये जो पोएम है वो लिखी गई है HW लॉन्ग फेलो के द्वारा, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। ये फ्रेंड्स एक अमेरिकन पोइट हैं और इनके द्वारा ही इस पोएम को लिखा गया है, ए शाम ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सामान्य तौर पर अधिकांश तौर पर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या इसके पैरा पूछ लेते हैं, या फिर इसका जो समरी है सेंट्रल आइडिया वगैरह पूछ लेते हैं, तो इनका आपको विशेष ख्याल रखना है। फ्रेंड्स इसके जो मीनिंग्स हैं वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार पढ़ लें। तो फ्रेंड्स ये यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।